Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में काफी फेर बदल हो गया है, एक बड़ा फेर बदल हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। और सात लोग, जैसे कि आपने, आपको पता है कि नॉमिनेट है, 3 हफ्ते हैं, यानी कि इसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते जो बचेंगे। और इस हफ्ते की एविक्शन जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, डबल एविक्शन, जिसके कि बहुत बहुत चांसेस हैं। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, अगर अभी तक भी आपने आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो ऊपर नीचे के दोनों तरफ की वोटिंग जो है, वोटिंग ट्रेंड बदले हैं, एक बड़ा झटका लगा है। तो नंबर वन से अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कि नंबर वन पे कौन बैठा हुआ है। नंबर वन पे बिग बॉस कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, नंबर वन पे पहुंच गए हैं मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी नंबर वन पे, सबसे ज्यादा वोट जो है मुनव्वर फारूकी को पड़ रहे हैं। और मुनव्वर फारूकी के बिल्कुल बाजू में कौन बैठा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वोटों का, लेकिन नंबर दो पे है, जो कि मुझे लगता है कि फिनाले में भी यही होगा, अभिषेक कुमार नंबर दो पे है। ये टॉप टू है हाल फिलहाल के। और नंबर तीन पे कौन है? नंबर तीन पे है जिसने के कल के एपिसोड में बड़ा तहलका मचाया था, जिसके साथ लोगों की हमदर्दी जुड़ गई और लोग भर भर के उसको कर रहे वोट। जी हां, मनारा चोपड़ा नंबर तीन पे है। तो ये है हाल फिलहाल के टॉप थ्री। अंकिता लोखंडे क्योंकि नॉमिनेट नहीं हुई, अंकिता लोखंडे कप्तान थी, तो नहीं तो उसको जरूर लोग नॉमिनेट करते। ईशा को भी किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, ये बच गई है। तो अंकिता लोखंडे अगर होती तो शायद से नंबर तीन पे अंकिता लोखंडे होती। तो नंबर चार पे कौन है? नंबर चार पे दोस्तों पहुंच गए हैं विक्की जैन। अभी हाल फिलहाल के वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक नंबर चार पे विक्की जैन है। और बॉटम थ्री जो बच गए हैं, यानी कि नंबर पांच पे, नंबर पांच पे बहुत सदस्य हैं जिसकी गेम लोगों को अच्छी लग रही है। बहुत लेट आई वो, लेकिन वो गेम बहुत ही खूबसूरती से खेल रही है। उसने देखा कि नॉमिनेट जब मैं हो गई तो उसने एक और तरफ का कार्ड खेला कि अब मैं मुनव्वर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तो आयशा खान की गेम लोगों को समझ में नहीं आ रही। आयशा खान नंबर, जी हां दोस्तों, पांच पे है। 6 और 7 ये दोनों डेंजर जोन में, डबल एविक्शन हुआ कि दोनों के दोनों निकल जाएंगे। भर भर के वोट हालांकि पड़ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट साथ में है, इसके लिए नंबर 6 पे यानी कि डेंजर जोन में पहुंच गए हैं अरुण शेट्टी। जी हां, अरुण नंबर 6 पे हैं। हालांकि उनका स्टाइल, उनकी चीजें लोगों को पसंद आ रही है, तो नंबर 6 पे है। और नंबर 7 पे आप सभी को पता है कि जिसकी पोकिंग, जिसकी चीजें लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, उसके उसमें टैलेंट था, हुनर था, उसमें उसका ही इस्तेमाल करता, जो फन करता था, जो लोगों की जो मिमिक्री करता था, डांस भी अच्छा करता था, ये सब चीजों को लेके चलता। लेकिन अभिषेक के साथ जो उसने पोकिंग के रिकॉर्ड तोड़े, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो अपना चिंटू यानी कि समर्थ नंबर 7 पे है। इस हफ्ते समर्थ का निकलना दोस्तों लाजमी है, और साथ में क्या अरुण को भी लेके जाते हैं बाहर, ये देखना होगा। आपका क्या इसके ऊपर कहना है, क्या कमेंट है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।